है शहर लाहौर, इसे बागात का शहर कहा जाता है। यहाँ पर जिंदगी का पहिया जरा तेज रफ्तार से चलता है। यहाँ पर जिंदगी है, यहाँ पर जिंदा दिल आने लोग बसते हैं, लेकिन इस शहर में मौत भी लटक रही है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माजरत और मैं हूँ आपका मेजबान सुल्तान शाह। नाज़रीन, बड़े सगीर में करंट लगने से हलाकतों की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी बिजली के निज़ाम की। 20वीं सदी में पाकिस्तान और बड़े सगीर में बिजली के निज़ाम की तफसील के लिए खुली फ़जा में खम्भे लगाए गए और उसी के जरिए बिजली का निज़ाम आगे बढ़ाया गया। जिस तरह आबादी बढ़ती गई शहर भर में, मुल्क भर में जो बिजली के खम्भे थे उनकी तादाद बढ़ती गई। आज इसी हवाले से हम प्रोग्राम करने आए हैं। इस वक्त मैं और मेरी पूरी टीम पहुंची है शाह आलम मार्केट में और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे, दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि वो तमाम हुक्मरान जो माजी में भी रहे और अब भी जो हुक्मरान हैं मौजूदा पाकिस्तान के, क्या उन्होंने कभी भी इस चीज़ का सोचा नहीं? आए रोज़ ये खबरें हमने सुनी कि बिजली की तार गिरने से कोई शख्स जांबाक हो गया। हमने ये भी सुना कि कितने माओं की गोदें उजड़ गईं। हमने ये भी सुना कि कितने लोग झुलस कर रह गए। 70 साल बीत के पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन ताहाल हमने ये देखा है कि हमेशा ये ऐलान किया जाता है। मुझे पिछले साल का वाकया भी याद है जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने लश्कों के हुकाम को मुअत्तल किया क्योंकि लाहौर शहर में 5 अफराद बिजली की तार गिरने से जाँ बाक हो गए थे। हमने देखा मुअत्तल लोग कर दिए जाते हैं, नोटिस दे लिए जाते हैं, लेकिन अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो अभी पिछले हफ्ते जो कुल तादाद है लोग जिनको करंट लगा है वो तादाद 50 है लाहौर शहर में। कोई एक तादाद नहीं है, दो तादाद नहीं है, 50 अफराद को करंट लगा है। इस वक्त अगर शाह आलम मार्केट जिस वक्त जहाँ मैं और मेरी पूरी टीम पहुँचे हैं, यहाँ का अगर आप मंजर देखें, ये मौत लटक रही है यहाँ पे। यहाँ पे लोग बस रहे हैं, यहाँ पे जिंदगी गुजर रही है, लेकिन इस जिंदगी के ऊपर तलवार लटक रही है। मैं चलता कुछ लोगों से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदा। तुसी की काम करते हो? मैं सेलमैन है दुकान। ऐसे ही? हाँ जी। जी तारा लटक रही है? हाँ जी। ऐ तो मौत है? हाँ जी। कोई तो सही करने नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कितना अर्सा हो गया इसको? तकरीबन कम से कम 20 साल तो हो गए। यहाँ पे तारे गिरती हैं, लोगों को करंट लगता है? हाँ जी लगता है। अभी तो कल डेथ हुई है और अभी तक 20 साल हो गए। कई डेथ हो चुकी होंगी, कई हज़ार लोग, कई 100 लोग, कई लोग यहाँ पे ज़िंदगी की बाजी हार गए होंगे। बिल्कुल जी। खान साहब। जी सर। क्या काम करते हो? ये बास्केट बेच रहा हूँ। बास्केट बेच रहे हो शाला मार्केट में? जी। कब से आए हो लाहौर? काफ़ी अरसे से रह रहा हूँ इधर, काफ़ी अरसे से रह रहा हूँ। रोजगार कमाने के लिए? जी हाँ बिल्कुल। अपने बच्चों को पालने के लिए आए? बिल्कुल। अपने बच्चों को ताकि यहाँ पाल के खिला सको, उनका पेट भर सको? जी बिल्कुल। लेकिन तुम जिंदगी से अगर हार जाओगे तो पेट कैसे भरोगे? अल्लाह ही वारस है, जब तक जिंदगी रही करेंगे, नहीं तो फिर क्या करें। अच्छा, ये इनके बारे में क्या? इनके बारे में सोचेंगे तारे सारे, इनका सफाई हो जाए तो सही है। होनी चाहिए ना, वही चाहिए। जिस तरह पार्किंग में अंडरग्राउंड वायरिंग होती है ना, इस तरह सिस्टम होना चाहिए। तो क्यों नहीं करती हुकूमत? हुकूमत ये है, लेकिन हुकूमत को सर अपना पता है, उन्होंने ये पता है हमने अरबों रुपए फंड लेके आना है और फंड ला के अपने समझो अपनी प्रॉपर्टी बनानी है। गरीब के बारे में नहीं सोचना, गरीब के बारे में सोचेंगे तो अपने बच्चों को भी पालेंगे, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। आप कहा जाए, हम चोरी करें, डाके मारे, क्या करें? हमें ये रेट लगा कर आ रहा हूँ, मुझे ये लेकिन नहीं, वो बच्चों का खर्चा बांट रहा है, कहाँ से दे ये वापस? ये आप ही बताएं, हम कुछ चोरी डकैती तो नहीं कर रहे, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि तहफ्फुज करते हैं अपने शहरी की जान का, माल का, इज्जत का। ना अमीर आदमी तहफ्फुज करता है, क्योंकि देखना कितनी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, नजायज प्रॉपर्टी है, नजायज प्रॉपर्टी बनाई हुई है। और देखना हुकूमत भी अब उनके सपोर्ट, ये बड़े बड़े लोग हुकूमत की सपोर्ट करते हैं, हुकूमत इनसे सपोर्ट करती है। चाचा जी, तो तारे लटक रही है, ये तो पूरी मार्केट वहाँ से शुरू हुआ एंड तक जाए यही हाल है। कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ तारे साफ हो। मैं वो सामने देख रहा था कि वो जंगला लगा हुआ है, जंगले के साथ तारे बांधी हुई है। किसी बच्चे का हाथ लग जाता है जंगले को, तार को नहीं तो उसको करंट लग जाएगा। ये गलत है। गलत है ना, इसका निज़ाम बेहतर होना चाहिए, जो सही निज़ाम है वो होना चाहिए। कैसे बेहतर होगा निज़ाम? वो मिलजुल कर ही होगा, अवाम भी ताबुन करे और हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी। अवाम ताबुन नहीं करती क्या? अवाम सही काम में ताबुन करती है। करती है। तो ये शाह आलम मार्केट में तो जिंदगी गुजर रही है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी हैं, देखिए यहाँ महकमे के आदमी आए, अगर वो इस बात पर काम करे, आवाम को समझाए तो समझ में आएगा। जिस तरह मुझे भाई ने बताया कि कल यहाँ पे एक बंदे की मौत हुई है, मौत वाकई हो गई है, वो बेचारा किसी का बच्चा होगा, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का तो रिश्तेदार होगा ना, उस पर जिम्मेदारी होगी किसी को पालने की। तो वो जब यहाँ जिंदगी की बाजी हार गया है तो महकमा यहाँ क्यों नहीं आगे कुछ करता? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि हुकूमत की जिम्मेदारी है और अवाम फिर ताफुन करे सही काम में, सही काम होगा जब मुल्क सही होगा, दोनों ने मिलकर चलना है। 70 साल में सही नहीं हुआ,
नहीं, बारल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बगैर इससे गुजारा कोई। क्या काम करते हो सर? क्रॉकरी का। क्रॉकरी का, यहाँ शालो मार्केट में। तो यार ये जो तारे यहाँ पे लटकी हुई हैं, ये देखो ये क्या कितना बुरा हाल है, आपकी दुकान के सामने भी है। तो कैसे गुजारा कैसे होता है, तारों से बच के गुजरना पड़ता है, बारिश हो जाती है, करंट तो जाता ही है। कई दफा इन्हीं तारों की वजह से कई प्लाजों में आग लगी है। हाँ ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया है, उससे ज्यादा बदतरीन शालमी का हाल हुआ है। हम तो वोट दे के थक गए हैं, उसके बाद वोट लेते हैं, उसके बाद नहीं आते। नाजिन ये सूरतेहाल आपने जानी है, ये अगर आप सूरतेहाल देखेंगे, ये सामने ये मार्केट्स हैं, ये प्लाजाज हैं, इसके बाहर यहाँ पे लोग बस रहे हैं, कुछ लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, कुछ लोग अपना कारोबार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो निज़ाम की सूरतेहाल है वो आपके सामने, सदियाँ बीत चुकी हैं इस निज़ाम को, लेकिन पाकिस्तान जब से बना 20वीं सदी का ये मॉडल था, उसके बाद जब लोगों ने तरक्की की, मुल्कों ने तरक्की की, उन्होंने अपने निज़ाम को, तमाम तरह बिजली के निज़ाम को अंडरग्राउंड कर दिया, जब लाहौर की ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट सामने आया तभी ये इस चीज़ का ऐलान किया गया कि लाहौर शहर में जो बिजली की तारें इनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। हम अरबों रुपए मेट्रोस पे लगा रहे हैं, ज़रूरत उसकी है कि लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए, लोगों को अच्छी सवारी फराहम की जाए, बाइज्जत सवारी फराहम की जाए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को ज़िंदगी भी फराहम करनी चाहिए। ये भी एक बहुत आम चीज़ है, जब आप किसी शहरी को, आम शहरी की ज़िंदगी को महफूज ही नहीं बना रहे तो हुक्मरानी का क्या फ़ायदा। मैं आपको दिखाऊंगा, ये चाहे अगर आप देख लें, ये ग्राउंड सा बनाया गया है जिसके साथ ये इसको बंद करने के लिए उन्होंने जंगला लगाया है, और जंगले के साथ जितनी इस वक्त तारें यहाँ पे बांधी गई हैं, ये हाई वोल्टेज तारें हैं, ये तार अगर यहाँ से करंट निकलता है, किसी जंगले के साथ पास होता है, तो यहाँ पे हलाकतें हो सकती हैं। इस पूरी शाह आलम मार्केट का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कई कई लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, और यहाँ पे अगर कोई बच्चा, कोई मासूम बेध्यानी में ही अपना हाथ लगा देता है तो वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा। क्यों भाई? जी बिल्कुल सही है, आपने सही कहा है, बिल्कुल। तो ये भी निज़ाम सही होता, ये तब्दीली नीचे आई, ऊपर का कोई निज़ाम नहीं हुआ। नीचे तब्दीली आ गई है, नीचे जो आई है ये थोड़े से रोड खुले हो गए हैं, लेकिन ये जो रोड ऑपरेशन कर रहे हैं, आगे रोड खुले कर रहे हैं, ट्रैफिक खुलवा रहे हैं, उनको ये ऊपर नजर नहीं आ रहा कि इसको भी सही करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये सही करना चाहिए इन्हें, क्योंकि ये देखे ना सारी ट्रैफिक तो उसी तरह ही है, ये कैसी तब्दीली है। हाँ भाई, कैसी तब्दीली है, ये माफिया ग्रुप है, ये क्वेश्चन हुआ ना, ये नीचे गई, इसने जंगल पर बैठ दी, तारे बांध दिए। हाँ जी चाचा जी, जो तारे लटकी हुई हैं, तारे जो लटकी, ये सही नहीं है ना, ये तो मौत है जी, ये मौत लटकी हुई है, इसको सही करना चाहिए ना, अब ये तो जाप बन गया है। कौन करेगा सही? गवर्नमेंट करेगी। कौन सी गवर्नमेंट करेगी? कितनी गवर्नमेंट है, कितनी गई, किसी ने सही नहीं किया। तो मसला है, सही करते नहीं है ना, क्यों ख्याल नहीं आता उसको आवाम का? लोहे के शटर है, उसके ऊपर तारे लगी हुई, उसमें से करंट जाएगा, करंट जाएगा, किसी गरीब आदमी की जिंदगी चली जाए। कुछ नहीं किया, 50 साल हो 30 साल हो गए इधर काम करते हुए आपको। हाँ जी, और तब से ऐसे ही ऐसे ही, और ये दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, सही होने की बजाय ये खराब हो रहा है। यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे ताजर भी हैं, यहाँ पे कारोबार भी करते हैं, यहाँ पे सामान खरीदने भी आते हैं, इन तमाम लोगों का की गुफ्तगु हम आपको इनकी राय सुनवा रहे हैं कि ये कहते हैं कि यहाँ पे निज़ाम सही हुआ ही नहीं कभी, 20 साल बीत के 30 साल बीत के यहाँ पे निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, और यही सूरतेहाल अगर रही तो यहाँ पे जो जितने मासूम चिराग यहाँ पे बुझे हैं, ये उनकी तादाद में कमी आनी नहीं है, और अगर यहाँ पे निज़ाम बेहतर ना किया गया तो इसकी तादाद में इजाफा ही होता जाएगा। शाह आलम मार्केट का हम आपको दौरा करवा रहे हैं, बिजली की तारों का निज़ाम है। हमने देखा कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि मैं अपनी कौम आपकी खातिर तमाम काम करूँगा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने ऐलान किया कि जो उनके कप्तान की हिदायत होंगी उसके मुताबिक वो आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि तरीके इंसाफ का एजेंडा ये है कि वो आम आदमी की हुकूमत बंद कराई है। इससे पहले जो हुकूमतें थी, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज की थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, मुस्लिम लीग काफ की हो या दीगर सियासी जमातों की हो, तमाम सियासी जमातों ने हमेशा ये नारा लगाया कि अवाम की हुक्मरान जमात इस वक्त बरसर इकतदार आ गई है। लेकिन वो अवाम की जो हुक्मरान जमात होती है उसको क्या ये नज़र नहीं आता, ये अगर आप सामने देखें तो बिजली के जो खंभे हैं वो भी टेढ़े हो चुके हैं, जो हाई वोल्टेज तारे हैं वो क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे ट्रक गुजरता है कोई बड़ा तो वो तार गिरा सकता है। हमने अक्सर आज इन खबरें सुनी, अंडर पासिस में ट्रक फंस गया, ओवरहेड ब्रिजेस को टक्कर मार के ट्रक फंस गया, तो यहाँ की जो खबरें आती हैं उस पर भी नोटिस हुकाम को लेना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? साहब ये जो तारों का निज़ाम है यहाँ पे शाह आलम मार्केट, ये तो होनी चाहिए ना, ये कुछ ना कुछ करना चाहिए,
कुछ ना कुछ नहीं हो रहा है। देखें ये सब कोई लड़के ही हैं, कोई निजाम नहीं, कोई पूछने वाले नहीं है, कोई आए नहीं पूछता। ये पीछे 10 साल घूमत गई है, नवाज शरीफ शबाज शरीफ कुछ नहीं किया, ये अभी घूमत आई ये कुछ कर रही है, और इनके क्या करना है, कम से कम कुछ ना कुछ होना चाहिए इधर। अब ये सामने ये जो कारों का निजाम है, ये देखने सामने ये कहाँ है, एसपी कहाँ है, एसपी कहाँ है, कोई घुसरेगा, उनको नहीं पता, सब अफसरों को पता है ये सब निजाम। और यहाँ हलाकते भी होती हैं, सब कुछ होता है, आग भी लगती है, सब कुछ होता है, बस आंखें मानने देख रहे हैं, ये देखे आपके सामने। क्यों आंखें मानने, क्यों बेहस होगी हुकूमत, क्या पता है हुकूमत क्या है, अभी हुकूमत आई है इंशाल्लाह वो काम करेगी। हुकूमत तो कहती है हमेशा जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो तरीके इंसाफ की हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, सब हुकूमतें ये कहती है कि हम आम आदमी के लिए काम करेंगे। हुकूमत आई थी उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, वोट ले घर चले गए, ये सब ऐसे कहते हैं अलग करेंगे, हुकूमत कहती है कुछ करें, कुछ ना कुछ करेंगे। कोई बात की है इस हुकूमत ने इन तारों के वाले से अभी तक कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी तो तीन महीने का बच्चा जमा तो उसको कुछ नहीं होता, अभी तो 3 महीने आए, कुछ ना करेंगे। ये मार्केट खुली गई है, सफाई की है, ये देखो कुछ ना कुछ तो करेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ उसको भी बेहतर करना, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। हाँ जी भाई, क्या काम करते हो? सेलमैन है यहाँ पे, शाहरुख के सेलमैन है। सेलमैन हो, ये तो तारे लटकी हुई है यहाँ पे, खतरा है जिंदगी के लिए। और क्या, कैसा खतरा है, जान का खतरा है। तो वो ये हुक्मरानों को खतरा क्यों नजर नहीं आता, हुक्मरान तो बेस है, उन्हें क्या नजर आएगा। नहीं वो तो नारा लगा देंगे, आम आदमी की हुकूमत है, आम आदमी के लिए, आम आदमी को काम करते हैं, वो तो हल्फ उठाते हैं इस चीज का, हल्फ उठाते हैं, अपने लिए उठाते हैं ना, अपने लिए उठाते हैं, आम के लिए क्या करते हैं, आम के लिए नहीं कुछ करते हैं, बेरोजगारी है, हर चीज है। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे भजन दुकान है अपनी, चालवी में। हाँ जी। अच्छा, ये तो तारे लटकी हुई है ऊपर। हाँ जी, ये तो मौत लटक रही है। जी जी, इस पे लोग काम क्यों नहीं करते ऊपर? काम किससे करवाएं, मुझे ये बताएं, कौन बंदा है यहाँ पे जो काम करने वाला है, मुझे ये बताएं। कोई नहीं, जहाँ पे पार्टी के जो, जहाँ पे जो तंजीम के लोग हैं, वो सिर्फ दिखावे के यहाँ पे यूनियन होती है, कोई काम करने वाली नहीं होती। जब भी काम आता है यहाँ पे सिर्फ अल्लाह हाफिज है इस चीज का। ये जो आप देख रहे हैं ये मौत है, हर एक को पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं। और ये जो डिपार्टमेंट है वापदा का, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लाखों तनख्वाहें दी जाती हैं अफसरान को, दी जाती हैं हमारे आपके और मेरे टैक्स के पैसे से। हाँ जी जी, तो उसको ये मौत नजर नहीं आ रही जो आम शहरी को दी जा रही है? भाईजान, अगर उनको खुदा का खौफ हो तो उनको मौत नजर आए ना। यहाँ पे महकमों के पास गाड़ियाँ कम है, तारे कम है, फलसटीज कम है, हर चीज की सुविधा मौजूद है, लेकिन काम नहीं करता, काम नहीं करता। हमारे पाकिस्तान का कल्चर बन गया है कि जो सरकारी इदारे वो काम नहीं करते, पैसे सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली 100% सही कह रहे हैं, काम नहीं करना चाहते यहाँ पे लोग, सिर्फ दिखावे के लिए कुछ भी हरकते कर रहे हैं, मगर काम कोई भी नहीं करेगा। हाँ जी चाचा, बस काम होना चाहिए, बस काम होना चाहिए, कुछ नहीं। नहीं तो मौत लटक रही है आपके सर पे, मेरे सर पे भी इस लटक रही है। इस तार ने गिरते हुए पूछना नहीं है कि मैं यहाँ पे मीडिया से आया हूँ आपसे सवाल करने, हुए यहाँ पे मैं काम करता हूँ। इस तार ने जब गिरना है तो किसी पे भी गिर जाना है। बस ये सोच होना चाहिए कि ये जो है ना, ये होना चाहिए, ये कर होना चाहिए, इमरान खान करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको? उम्मीद है आपको? उम्मीद है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई, जब से पाकिस्तान बना उम्मीद पे तो चल रहा है, इंसान की नियत पे चले तो फिर मुल्क तो ठीक हो जाए। 70 साल हो गए इसी उम्मीद पे चलते हुए, हम भी मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी आएंगे, वो भी चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसे का वैसे, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया, ये यहाँ के शहरी है, शाला मार्केट के ताजर है, इनकी दुकान है, और ये इसकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू की है इन्होंने, जिस तरह इन्होंने कहा कि आम आदमी तवक्को करता है हुकूमत से कि उनकी जान और माल के तहफ्फुज किया जाए। हुक्मरान जमातें, महकमे के अफसरान जो अपने आलीशान कमरों में बैठ के अहकाम जारी कर रहे होते हैं, जिन्होंने सरकारी गाड़ियों में घूमना होता है, जिन्होंने शायद इस मार्केट में आके काम नहीं करना, या उनको सामान खरीदने के लिए भी खुद नहीं आना, क्योंकि उनका तो मुलाजिम यहाँ पर आ जाना है सामान खरीदने के लिए, लेकिन उस मुलाजिम के भी सर पे तार गिर सकती है। ये निज़ाम है लाहौर शहर का, और ये निज़ाम है शाह आलम मार्केट का। शाह आलम मार्केट की सूरत हाल आपके सामने, ये कोई एक मार्केट नहीं है लाहौर की, आप किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएँ तो जो पुराने इलाके हैं लाहौर शहर के, अंदरून इलाकों में चले जाएँ, अंदरून लाहौर में चले जाएँ आप, तो वहाँ आपको यही निज़ाम मिलेगा। कितना मुश्किल है ये कि जहाँ ऑपरेशन किया जाता है तजावजात के खिलाफ, जो ऑपरेशन किया जाता है गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ, जो ऑपरेशन किए जाते हैं गैर कानूनी प्लाजों के खिलाफ, वहाँ एक ऑपरेशन इस निज़ाम के खिलाफ भी किया जाए जहाँ से लोगों की ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है।